लोग जिस तरह से गीत को सुनते थे, जिस तरह से प्रभावित होते थे, लोग कहते कि ऐसे गीत चाहिए जो हमारे दुख दर्द से जुड़ा हुआ हो, तो क्यों ना एक इसका मंच तैयार कर दिया जाए, एक मंच दे दिया जाए। चलिए, उफान लोक कला मंच जो है उसके माध्यम से हम लोग इस क्षेत्र के जो दबे कुचले कलाकार हैं, पिछड़े हुए कलाकार हैं, उन लोगों को एक मंच पर लाने का काम कर रहे हैं। मैं यहाँ देखा कि खुद गीत ऐसे परसील गीत बिखरे हुए हैं गांव में परंपरागत तौर पर जो महिलाएं गाती हैं। इसे किसने लिखा है पता नहीं, लेकिन वो गीत वाकई समाज के विकास में बहुत बड़ा बहुत बड़ा माध्यम है। हम सोचे कि इस गीतों को एक जगह सिमटा जाए, सिमेट कर इसको और नया रूप दिया जाए, नया धुन में गाया जाए। पुराने जो धुने हैं उसी में जो रोचक धुन है वही उन धुनों में लिखते हैं। समाज में जो दहेज प्रथा है, पर्दा प्रथा है, जो बचपन में इधर अक्सर लोग शादी कर देते हैं, उस पर तो हम उस पर क्लास चलाना, उस पर गीत लिखना, बताना, तो इस तरह से हम लोग 10 जो गाँव में हमने 5-5 लोगों का संस्कृति टीम बनाए हैं। दारू है, नशा है, गांजा है, ये सब जो बाई से समाज में एक बहुत गलत मैसेज जा रहा है, इससे बचने के लिए, इससे लोगों को स्वस्थ रहने के लिए जो बाक हम लोग एक अच्छे गाना गाते हैं। सरई भसई एक क्षेत्र है जो चतरा ब्लॉक का है, तो वहाँ गीत जो हम गा रहे थे, तो गीत गाने होने के बाद एक प्रधान जी थे, तो उन्होंने एक चीज़ कहा, बड़ा रोचक चीज़ कहा कि अरे यार, तुम लोग जो गीत गाते हो उसमें हम लोगों के बारे में बड़ा शिकायत रहती है, ऐसा है कि तुम लोगों को हम 1,000 ऐसे ही चंदा दे देता हूँ, लेकिन मेरे क्षेत्र में ये सब काम मत किया करो। अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के, कि वृक्ष से विहीन जहिया हो जाई धरतिया, बंद सारी दुनिया के होई जाई ससिया, वृक्ष में ही छुपल सबके जिंदगी के सांस बा, खेतवा के खातिर सगरो बनावा कटात बा, देश भर में सब कही के संगठन लौकत बाड़े, तू आपन संगठन बनाव हो किसनवा। संगठन से लोगों के में एक चेतना मिल रहा है, संगठन के माध्यम से जो हम लोग गा रहे हैं, इस क्षेत्र में हमारा समस्या क्या है, हम अपनी बात सरकार तक क्या पहुंचाना चाहते हैं, उसको संगीत के माध्यम से गाते हैं, और वह रोचक भी है, उसे समाज में एक नई दिशा मिल रहा है। मकाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे।